अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और अजीज दीपक राम। गुर्दों के अमराज, एहतलाम, सूरत अंजाल, मनी के नुक्स, उसमें स्पर्म में पस होना या इन्फेक्शन होना, उसके अलावा स्पर्म की तादाद कम होना, इन तमाम मसाइल के लिए बहुत ही आला एक शरबत का नुस्खा है। आपने ऐसा करना है कि एक पाओ अनार का रस, एक पाओ मूली का रस, एक पाओ टमाटर का रस, यानी उसका जो पानी निचोड़ के निकालना है, और एक पाओ संतरे का रस, नुशादर 6 माशा यानी आधा तोला, लोहा चूरन, लोहे का पाउडर जो है ये 1 तोला, ये सारी चीजें मट्टी के एक रोगनी हांडी में डाल के रख दें और ऊपर इसके मुंह के ऊपर मरमर का कपड़ा बांध दें। इस पानी को रोजाना सुबह हिला देना है और 41 दिन बाद एक दूसरे बर्तन पर में डालकर इसको हिलाना है। इसके बाद किसी दूसरे बर्तन में कपड़ा डालकर इन्हीं के पहले बर्तन से निकाल के दूसरे बर्तन में इसको छान के डालना है, उसके ऊपर मुंह पे कपड़ा बांध के उसके ऊपर शरबत डालना है ताकि नीचे से फिल्टर होके नीचे जाए, कपड़े में से फिल्टर कर रहे हैं। जब ये फिल्टर हो जाए तो उसके बाद इसमें 1 तोला सराजीत डाल दें, खालस हो, और उस इस शरबत को आग पे रखें। जब ये पानी आधा रह जाए तो उसको महफूज कर लें। ये बहुत ही ताकत की चीज है। 1 चम्मच सुबह शाम आपने देनी है। एहतलाम, सूरत अंजाल, मनी के मसाइल, गुर्दों के लिए भी बेहतरीन टॉनिक है। और साहिब नुस्खा है सैयद सरकार उस्ताद मोहतरम हकीम जावेद अली साबरी साहब। तो साहिब नुस्खा के लिए भी दुआ फरमाइए। और इसके साथ ही हमें इजाजत।